हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से वैकेंसीज़। और जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि यहाँ पर टोटल 1000 पोस्ट हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको दिखा दूँ, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और यहाँ पर सारी डिटेल है। और इसकी जो वेबसाइट है वो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है एंड तक। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे अप्लाई करें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ़ द पोस्ट जो है वो है मल्टीपर्पज़ वर्कर, यानी कि आप यहाँ पे इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर कहना चाहें तो आप इसको MTS भी कह सकते हैं। नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर 1000 है, सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन वर्कलोड। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। स्केल ऑफ पे आपका जो रहने वाला है वो है 1800 ग्रेड पे आपका यहाँ पे रहेगा। ओके, सैलरी आपके यहाँ पे 5200 से लेकर के 20200 रुपये आपके यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। वेदर सेलेक्शन पोस्ट और नॉन सेलेक्शन पोस्ट, यहाँ पर आपका सेलेक्शन बेसिस पर जो है वो लिया जाएगा। एज लिमिट जो है वो है 32 ईयर्स, 32 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। पीरियड ऑफ प्रोबेशन जो हो, अगर कोई होगा तो वो 2 साल के लिए होगा। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर SSLC और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो SSLC का मतलब यहाँ पे सिर्फ 10th पास जो है वो मांगे गए हैं, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की अगर बात की जाए, वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन और बाय एब्जॉर्प्शन या फिर डेप्यूटेशन एंड परसेंटेज ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड बाय वेरियस मेथड्स। तो इन्होंने मेंशन किया है कि 75% जो है वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू होंगी, बाकी 25% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर लिए जाएंगे। और इसका ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हैं, बाकी चीज़ें यहाँ पे कुछ मेंशन की गई हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे तो आप इसको जो है एक बार ज़रूर से रीड कर लें। बाकी मैं आपको बताता हूँ, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जब आप यहाँ पे विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप जैसे ही विजिट करेंगे आपको यहाँ देख सकते हैं फाइनल रिक्रूटमेंट रूल फॉर पोस्ट ऑफ मल्टीपर्पज़ वर्कर। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर दी वैकेंसीज इन दी मल्टीपर्पज़ वर्कर IGMC एंड RI पुदुचेरी ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इसका नोटिफिकेशन जो है ओपन हो जाएगा। और अप्लाई करने का जो लिंक है दोस्तों, वो अभी ही स्टार्ट होना बाकी है, क्योंकि पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप न्यू में जब यहाँ पे इसको पढ़ेंगे तो इन्होंने लिखा हुआ है कि ड्यू टू टेक्निकल रीज़न की वजह से जो है यहाँ पर 13 तारीख को स्टार्ट ना होकर के 20 मार्च से यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट होंगे। 13 तारीख को शुरू होने वाला था, 6 तारीख को ही ये नोटिफिकेशन आ चुका था, आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, लेकिन थोड़ा टेक्निकल इशू होने की वजह से ये अभी 5 दिन और लेट जो है वो फॉर्म स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं यहाँ से। तो जो भी लोग इस तरीके की जॉब ढूंढ रहे हैं, आपके जानने जानने में कोई भी आपके फैमिली मेम्बर हो, दोस्त हो, कोई भी हो, उसके साथ इस वैकेंसी को ज़रूर से शेयर कर दें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।